ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की असाइनमेंट का प्रिंटआउट मैंने आपको दिया, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज असाइनमेंट हैंड रिटन शीट नंबर 13 का प्रिंटआउट रिसेप्शन से ले लो। ठीक, तो अब फ्लक्स की इस शीट के बारे में बता देता हूं क्या खास बात है इस शीट की। पहली खास बात यह है कि जो बोर्ड का पेपर आएगा इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे पेपर आसान हो चाहे मुश्किल बने कुछ भी बने, इसके अंदर से 5 नंबर आज आपके पक्के हैं। तो आप सिर्फ 65 मार्क्स की तैयारी शुरू करो, कैसे लेने हैं 5 तो आपको मिल ही जाते हैं, प्रोवाइडेड आप इसका टेस्ट पास कर दें जो भी होने वाला है। ठीक, अब इस शीट का दूसरा फायदा, इसमें से ऑब्जेक्टिव के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो नीट है चाहे वो मेंस है चाहे वो एडवांस है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमेशा ही पूछा जाता है, इसके ऊपर नहीं आएगा तो पोटेंशियल के ऊपर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक्स रिलेटेड हैं। तो फ्लक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब ये लेक्चर स्टार्ट होता है तो पहले 40 मिनट्स आपको अजीब सा लगेगा कि ये मतलब क्या बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज हैं या ये थ्योरम्स आएंगी बीच में एक दो। जब प्रैक्टिकल इसको लगा के देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आप पूरी पिक्चर जब देख पाएंगे तब आपको समझ में आएगा बड़ी काम की चीज़ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्लक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स या फ्लक्स को डिफाइन किया गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। मेरा पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को वो काउंट कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर टोटली इमेजिनरी, ये तो रियलिटी में दिखती नहीं है। और वो क्या कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, इन्हें टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जितनी क्रॉस कर रही है किसी एरिया को परपेंडिकुलरली, वो बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो फ्लक्स है। तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन है कि दिख नहीं रहा, लाइंस तो अपनी मर्जी से हमने ड्रॉ करनी है, तो फिर ये किस तरीके से कैलकुलेट करेगा फ्लक्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और इस डेफिनेशन के साथ चलते हैं, बाद में अपने आप समझ आ जाएगा ये फ्लक्स जब मैं एग्जाम्पल्स लूंगा कि ये वर्ड इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा वर्ड है और आपको समझ में आएगा कि ये फ्लक्स यूज करना कैसे है। तो पहले डेफिनेशन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक एरिया जो कि यहां पर आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है, ठीक, ये एरिया कोई भी शेप का हो सकता है, आर्बिट्ररी कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने ये कोई भी एक एरिया ले लिया किसी भी शेप का। एरिया बहुत बड़ा था तो मैंने इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, ये रहा एक छोटा सा पार्ट ले लिया। तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे मेरा हाथ एरिया है, दिस इज द एरिया, और मैंने इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लिया और ये स्मॉल पोर्शन ds है। तो इसका जो एरिया है, एरिया की जो वैल्यू है इसके अंदर, दिस इज सपोज कितनी ts, s फॉर एरिया, ds फॉर स्मॉल एरिया। ठीक है यहां तक। दूसरा कॉन्सेप्ट, एरिया हमने प्लस वन में किया, टेंथ में भी किया। आपको वैसे बता देता हूं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर होता है। तो कोई कहेगा सर अगर एरिया वेक्टर है तो एरिया की डायरेक्शन क्या है, एरिया की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे अगर सपोज करो ये एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगा, तो ये इसका एरिया वेक्टर है। अगर ये फ्लोर है, फ्लोर का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ बनेगा, तो एरिया वेक्टर है। सपोज करो एक स्फीयर है, स्फीयर का एक स्मॉल पोर्शन ले लिया मैंने, इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा ऐसे। तो कोई कहेगा सर अंदर क्यों नहीं बनता, क्यूब अगर क्यूबॉइड है बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाता है अंदर की तरफ नहीं आता, मीन बॉडी क्लोज बॉडी के इनसाइड नहीं आता, आउटसाइड ही जाता है, एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दूसरी स्टेटमेंट याद की आपने, वैसे इसकी हिस्ट्री जो है इस तरीके से है कि एरिया क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो एल क्रॉस बी से एरिया वेक्टर 90 परपेंडिकुलर आता है एरिया किसी भी सरफेस के। पर हम उस रूल में नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली ये लेके चलते हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरा रूल समझ में आ गया इसका। अब फ्लक्स की डेफिनेशन जैसी है मैंने वैसी की वैसी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि फ्लक्स एक ऐसी टर्म नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैं
पहले पढ़ के आया हूँ और मैं रिलेट कर पाऊँ कोई चीज़, क्योंकि बिल्कुल एक नया टॉपिक है और आपको डेफिनेशन भी ये चैप्टर खुद बना के दे रहा है कि इसको ऐसे डिफाइन करना है। तो ये डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि कितनी लाइंस एक एरिया में से पास करती हैं परपेंडिकुलरली। अब वर्ड बार बार परपेंडिकुलरली एंड में जरूर आ रहा है, कैसे? अब सपोज करो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे की तरफ जा रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और एरिया वेक्टर सपोज क्या है, दिस इज द स्मॉल एरिया वेक्टर, ये रहा डीएस वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये मैंने रूल बताया आपको। तो ये क्या है, डीएस वेक्टर। तो डीएस वेक्टर का मतलब एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये भी क्लियर है यहां तक? पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू लेनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में नहीं लेना, मुझे कहां लेना है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लेना है। तो ई वेक्टर अगर इस तरफ है तो इसका परपेंडिकुलर ऑब्वियसली यही जाएगा, क्योंकि इस सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया की तरफ जाएगा। तो आपने ई का एक कंपोनेंट इसके अलोंग लेना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो अगर ये ई, ये थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट कितना जाएगा यहां पर, ई कॉस थीटा। वो क्यों लेना है वो भी अभी डिस्कस करके बताऊंगा। तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि आपने एक एरिया वेक्टर लिया, एरिया वेक्टर में एरिया की वैल्यू कितनी है, डीएस है, डीएस है, और ई की वैल्यू इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया के साथ ही परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया खुद परपेंडिकुलर होता है। तो इसके अलोंग ई की वैल्यू कितनी ली, ई कॉस थीटा। तो मैथ्स या फिजिक्स, मैथ्स में फ्लक्स यूज करते हैं हम वैसे, मैथ्स या फिजिक्स के अंदर फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका, इस एरिया का अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आपने ई नहीं, ई कॉस थीटा, दैट इज ई कॉस थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। उसने कहा ई जो लेना है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ई कॉस थीटा को अगर उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें जिसमें से वो ई पास कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है फ्लक्स की कि ई डीएस कॉस थीटा से फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल, जो सिंबल क्या है, फाई। फाई इज द सिंबल जिससे फ्लक्स रिप्रेजेंट किया जाएगा। और फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पूरी बॉडी का निकलता है, हमने क्योंकि एरिया स्मॉल लिया तो हमने फ्लक्स भी क्या लेना है, स्मॉल। स्मॉल फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय डी फाई। तो रूल नंबर वन, स्मॉल फ्लक्स डीएस का अगर निकालना है तो उसका रूल क्या होगा, ई डीएस कॉस थीटा। या उससे भी बेटर तरीका है, आप क्योंकि ई इज अ वेक्टर, डीएस इज अ वेक्टर, आप इनका डॉट प्रोडक्ट लिख दें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली कॉस थीटा आता है, और डॉट का मतलब एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर इज थीटा, एंगल बिटवीन ई एंड डीएस इज थीटा। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक बिल्कुल सीधा फॉर्मूला, स्मॉल फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्या ये पहला रूल क्लियर है यहां तक? ये डेफिनेशन बनाई हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स। फ्लक्स इटसेल्फ है क्या, आपको थोड़ी देर में पता लगेगा, अभी बस रूल सीखते जाओ, मैं बाद में अपने आप बताऊंगा कि ये सारी चीजें आपस में कैसे रिलेटेड है। तो मैंने अभी तक ये बताया एरिया इज अ वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और उस एरिया में से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, स्मॉल एरिया में से स्मॉल फ्लक्स निकालना है, तो बस एक फॉर्मूला जो कभी नहीं भूलना, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो फ्लक्स आ जाएगा। पहला रूल क्लियर। क्वेश्चन अब ये अराइज होता है, हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें जरूरत क्या पड़ी है, हमारी जिंदगी ठीक तो चल रही है, ई निकालना आता है, ई कहोगे ई निकालना आता है, प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे चार्ज दो ई निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² पर पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। आप कहोगे ऐसी बात थोड़ी ना, रिंग का भी आता है, मुझे डिस्क का भी आता है, मुझे लाइन चार्ज का भी आता है, लेकिन आपको और कॉम्प्लेक्स बॉडीज का नहीं आता। अगर मैं ये कहूं कि ये लो एक सॉलिड स्फेयर है जिसके अंदर चार्ज ही चार्ज है, और आप स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मुझे ई निकाल के दिखाओ, तो आप जान लगा लो जितनी मर्जी, आप इंटीग्रेशन इसको करके दिखाओ, क्योंकि 3D है, 3D बॉडी में कैसी इंटीग्रेशन लगेगी, सोचो। ये एलिमेंट लोगे ये डी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये एलिमेंट लोगे ये अपना डी कॉन्ट्रीब्यूट, बहुत, क्योंकि
थ्री डायमेंशनल बॉडी चल रही है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेंगी, एटलीस्ट प्लस वन प्लस टू लेवल पे तो ये नहीं हो सकता। क्लियर है? 2D तक ओके, रिंग ओके, डिस्क ओके, शीट भी ओके, लाइन भी ओके, पर ये 3D बॉडीज की इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ये कॉम्प्लेक्स जो बॉडीज हैं जहाँ पर इस टाइप की इंटीग्रेशन नहीं चल पा रही, वहां पर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम ई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जहां पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं चल रहा, बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन 3D बॉडीज में मैं नहीं लगा पा रहा, या लगा भी पा रहा हूं तो बहुत लंबी इंटीग्रेशन हैं, उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? ई की वैल्यू निकाल देंगे बाय अ शॉर्ट मेथड। पॉइंट समझ में आया इसकी जरूरत क्या है? तो जरूरत ऑब्वियसली गॉस नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसकी बहुत जरूरत को समझा होगा। वो बेचारा हो सकता है इंटीग्रेशन से बहुत या तो बहुत ज्यादा सीख गया होगा, उसको शॉर्टकट देख उसने शॉर्टकट देख लिया कि इस 3D इंटीग्रेशंस या 3D बॉडीज की इंटीग्रेशन की बजाय हम शॉर्टकट लगाएंगे तो सीधा आंसर आएगा। तो वही मैंने आपको बताना है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करना आ गया। तो अगर आप कोई भी फिगर लोगे, ये इंटरनेट से ली हुई फिगर्स हैं, ई वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, तो ई और ई कॉस थीटा इधर जाएगा, ई कॉस थीटा में ई ए कॉस थीटा आपको इसका फ्लक्स मिलेगा। तो किसी का भी निकालना हो तो ई इंटू, अगर स्मॉल एरिया डी ए है तो ई डी ए कॉस थीटा आपको फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का यही तरीका है, आप कहीं से भी इसको नोट कर लें। अब ये स्मॉल फ्लक्स आया, मुझे क्वेश्चन के अंदर किसी भी बॉडी का टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। मतलब अभी तो मैंने स्मॉल एरिया लिया ना, कि उस स्मॉल एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे क्या निकालना है? पूरी बॉडी का फ्लक्स निकालना है। तो कोई टेंशन नहीं, हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। नॉर्मल इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, आप ध्यान से नोट करें, मैंने सिंबल ये यूज किया है, ये रहा सर्कल। ये देखो, इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल या क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब आप ये ना सोचें कि अब क्या इंटीग्रेशन की कोई थर्ड कैटेगरी आ गई, कि अब नए नए फॉर्मूलाज आएंगे इंटीग्रेशन के। कुछ नहीं आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन के कोई फॉर्मूले नहीं है। क्लोज इंटीग्रेशन को कैसे यूज करना है इसको सिर्फ देख लो। क्लोज इंटीग्रेशन को एग्जाम्पल लेने के लिए मान लो मैंने एक स्फेयर लिया, एक स्फेयर है, इस स्फेयर का स्मॉल सरफेस एरिया लिया डीएस, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये ले लिया मैंने डीएस। अगर मैं ऐसे सारे डीएस 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 मिला लूं स्फेयर के पूरे सरफेस एरिया को, तो मिलाने को क्या बोलते हैं? डीएस को क्या कर दिया? इंटीग्रेट। तो एक क्लोज बॉडी बन गई, स्फेयर इज अ क्लोज बॉडी। तो डीएस हम ऐसे बोलेंगे, डीएस की इंटीग्रेशन करेंगे और बॉडी क्या बन गई? सारे एरिया को मिला लिया और क्लोज बॉडी बना दी, तो दैट इज अ क्लोज इंटीग्रेशन। और सबको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा? 4π आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन को करने का, क्लोज इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं है, बस एरिया की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी या जो भी सिचुएशन में गिवन होगी। जैसे इसके अंदर सारे एरिया मिलाएंगे तो 4π r² आएगा, तो सीधा लिख देना है 4π r². जैसे मान लो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का अगर आप कर्व सरफेस एरिया देखें, ये रहा कर्व, तो मान लो इसका एरिया वेक्टर ds है, ये रहा लेंथ इसकी l है। तो मान लो मेरे को सिर्फ ये ds 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 कर्व के मिलाने हैं, तो क्या बनेगा? कर्व सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे इसकी डीएस की जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 2π r l। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी फिगर का एरिया गिवन होगा, बस एरिया को जो फॉर्मूला याद होगा बस वही पुट कर देना है। ठीक, तो इसको भी लगा के दिखाऊंगा मैं। और मैंने लिख लिया एरिया डीएस वेक्टर इज अ वेक्टर एंड डायरेक्शन जो होगी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या है? पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर वापस आते हैं। तो इसके अंदर जब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इसमें। तो एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था दूसरे बैच में कि सर यहाँ की तो क्लोज इंटीग्रेशन मुझे समझ में आ गई कि डीएस तो चलो क्लोज सरफेस एरिया बनेगा, तो फ्लक्स की क्लोज इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो? इसकी तो ठीक है, इसकी क्यों? इसकी तो नॉर्मल करो, क्योंकि फ्लक्स किसका निकल रहा है? क्लोज सरफेस का, एक क्लोज बॉडी का। तो दोनों तरफ क्लोज इंटीग्रेशन है, और वैसे भी रूल ऐसा अलाउड नहीं करता कि एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है, तो दोनों तरफ सेम लगती है। तो यहां से टोटल फ्लक्स क्लोज्ड बॉडी का आ जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन है, तो पूरी बॉडी का, क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। पर ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तो न्यूमेरिकल के अंदर लगा के दिखाऊंगा तभी पता लगेगा। फिलहाल के लिए आप एक काम करें, सिर्फ
ये फॉर्मूला याद कर लें बस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये कहां से आया, ये एक्सपेरिमेंटल है, तो आगे पीछे जो जिन्होंने शुरू किया होगा फ्लक्स तो वहीं से लिया, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने ये डेफिनेशन भी हमें बताई, ठीक है यहां तक। और इंटीग्रेशन कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा। एक सरफेस एरिया जब आप मिलाओगे तो वो क्या होगा, सारे जैसे एक स्फेयर है, तो ये डीएस है, ये डीएस है, ये डीएस है, ये डीएस है, ये डीएस है। तो आप क्या करते हो, आप इन्हें मिलाते हो, मिला के एक सरफेस एरिया बनता है। तो वो जो सरफेस एरिया बनता है, एरिया की जो इंटीग्रेशन मैथ्स के अंदर डिफाइंड होती हैं, वो नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉलो नहीं करती। वो ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करती कि आपने 4π a² को ऐसे इंटीग्रेट किया r³/3, ऐसा नहीं है। डीएस की इंटीग्रेशन सर्फेसिस को लेके नए रूल बनाए गए हैं, या किसी और तरीके की इंटीग्रेशन जिसको आप क्लोज इंटीग्रल बोलते हो, कि सभी सरफेस एरिया को मिलाना क्लोज कैटेगरी में आता है। तो जैसे एग्जांपल, एक शीट है, एक शीट है, शीट का एरिया ए है, तो क्वेश्चन आएगा कि मान लो ये डीएस है, ये डीएस है, ये डीएस है, ये डीएस है, तो आपको सीधे लिखना पड़ेगा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया इज ए। तो सरफेस एरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लोज इंटीग्रल मैथ्स में। तो अगर ये मैथ वन मैथ टू पढ़ोगे तो वहां ज्यादा काम आएगा। जब आप प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग के अंदर कोई डिजाइन करते हो, मान लो कार डिजाइन करते हो, तो कार की जो शेप है वो आप इंटीग्रेशन और कैलकुलस से पूरे एरियाज को डिफाइन करते हो, तो वहां पर ये चीजें ज्यादा काम आती है। तो ये थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, पर अभी इतना सफिशियंट है कि क्लोज एरिया क्लोज इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आता है। तो जैसे एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास ये एक सरफेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये ब्लू कलर का वेक्टर देख रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज जीरो, ई और डीएस में एंगल क्या होगा इसमें, जीरो। बिल्कुल वैसी इसमें ई वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर ये जा रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसमें एंगल बिटवीन ई एंड डीएस क्या होगा, थीटा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, एंगल ई और डीएस में कितना, 90। कोई डाउट इसमें, तो ये एंगल देखने आ गया आपको। नेक्स्ट है, अब गॉस एक साइंटिस्ट जिसने शायद ई डॉट डीएस को बहुत ज्यादा पढ़ लिया, हमने भी पढ़ा, उसने ज्यादा पढ़ लिया, और मे बी उसने उसको बहुत ही दिल लगा के काम भी किया, और बहुत सारे चीजों के फ्लक्स उसने निकाले होंगे, और थ्रू इंटीग्रेशन ही निकालने होंगे। ऑब्वियसली एक ही तरीका है हमारे पास, ई डॉट डी एस, और अगर पूरी बॉडी का फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन ही एक तरीका है। पर गॉस ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसने एक शॉर्टकट निकाला, और बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है, मतलब तारीफ करनी पड़ेगी कि इस बंदे ने क्या काम किया, आप हैरान भी होगे, और आपको मैं बताता हूँ कि क्या है थ्योरम, और हो सकता है कि आप इसको और भी डिटेल में देखना चाहो, उसे रिजल्ट्स कैसे प्रूव किए। जैसे मैं आपको पहले थ्योरम बताता हूं, उसने क्या थ्योरम बनाया, इसका शॉर्टकट है क्या। गॉस ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं क्या निकालूंगा, वो कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। तो कई लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या निकालेगा, वो तो हमें ऑलरेडी आता है, ई डॉट डी एस को इंटीग्रेट करो तो फ्लक्स आ जाएगा। ये कहता ना, मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा, ई डॉट डी एस की बजाय वो कहता है मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, किसका, एक क्लोज्ड सरफेस का, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन सरफेस का नहीं कहा उसने, उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी भी दुनिया का फ्लक्स नहीं, उसने कहा मेरे पास बॉडी कौन सी लेके आओ जो कि बंद है। अब ये क्लोज सरफेस क्या होता है, जैसे स्फेयर इज अ क्लोज सरफेस, जैसे क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, क्यूबॉइड इज अ क्लोज सरफेस, दिस रूम इज अ क्लोज सरफेस, शीट इज अ, नहीं शीट इज नॉट अ क्लोज सरफेस, वो तो ओपन है, दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस। मैं इसका नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ क्लोज बॉडी का निकालो, बंद होनी चाहिए हर तरफ से, ठीक। और उसने कहा कि क्लोज बॉडी का फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका मेरा कुछ ये रहेगा कि आप मेरे सामने कोई भी क्लोज बॉडी रख दो, तो किसी ने कहा कि स्फेयर रख दें, उसने कहा ठीक है स्फेयर रख दो, किसी ने कहा कि चलो ठीक है क्यूब रख दें, क्यूब रख दो, क्यूबॉइड रख दें, कोई भी आर्बिटरी शेप बॉडी 3D रख दें, रख दो। तो उसने कहा कि आप
इसके अंदर क्यू चार्ज रख दो, सबके अंदर ये क्यू चार्ज है, रख दिया क्यू चार्ज है। अब सबको मालूम है कि जो क्यू चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसकी वजह से होंगी वो इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगी, और जब बाहर जाएंगी तो एरिया, सरफेस एरिया को कट करती हुई जाएंगी, सरफेस एरिया एस को कट करती हुई जाएंगी, यानी कि क्रॉस करती हुई जाएंगी, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। ठीक, वर्ड समझ में आ रहा है? ये लाइंस विल क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ स्फीयर परपेंडिकुलरली, यानी कि इसका फ्लक्स होगा। तो ऐसे इसका भी फ्लक्स होगा, ऐसे इसका भी फ्लक्स होगा, इसका भी फ्लक्स होगा, और इसका भी, हर बॉडी का फ्लक्स होगा जिसके अंदर ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर है? तो वो कहता कि मैं इस पूरी बॉडी का फ्लक्स निकाल सकता हूं, कंप्लीट फ्लक्स, टोटल। तो किसी ने पूछा कैसे, वो कहता जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू, जितना भी चार्ज इस बॉडी के इनसाइड पड़ा हुआ है, इस बंद बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, तो बोलो पहली बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, क्यू। वो कह रहे हैं कि इस चार्ज को 1/epsilon नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, ऑब्वियसली इससे डिवाइड करने की बात है, वो कहता है इतना फ्लक्स होगा। बस सीधा ही शॉर्टकट लगाओ, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो एक बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, वो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। अब किसी बंदे ने पूछा ऐसे कैसे हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, मैं बॉडी चेंज कर देता हूं, चाहे तो वही रखता हूं, मैंने बॉडी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मैंने शेप चेंज कर दी। तो अब उस किसी ने पूछा गॉस से, अब आंसर क्या होगा, उसने कहा आंसर अब भी एग्जैक्टली सेम होगा। अब किसी ने पूछा ठीक है मैं बॉडी और चेंज करता हूं, मैं आर्बिट्री बॉडी लेके आता हूं, उसने कहा अब भी आंसर सेम होगा। थ्योरम में कहा ही नहीं अलग अलग शेप्स का अलग अलग होगा, थ्योरम क्या कह रही है, बस ये बताओ कि क्लोज बॉडी है कि नहीं, क्लोज बॉडी है, ये बताओ इसके अंदर कितना चार्ज है, आपने बोला क्यू चार्ज है, तो आंसर विल रिमेन सेम। अब किसी ने ये पूछा, किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा, सर जरूरी है कि ये चार्ज मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा, ये लो ये स्फीयर है, चार्ज सेंटर की बजाय यहां रख देता हूं, हाँ तो रख दो, क्या फर्क है, यहां ज्यादा फील्ड है, यहां थोड़ा ऐसे कम है, आंसर अब भी सेम रहेगा, जहां मर्जी आप रख दो क्लोज बॉडी के अंदर, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। उसने कहा साइज बड़ा कर दूं, उसने कहा बड़ा करो छोटा करो, बस ये बताओ उसके अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कमाल की थ्योरम है, क्योंकि ये अजीब लगता है कि एटलीस्ट शेप चेंज होने से नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस जो कर रही हैं वो तो डिफरेंट तरीके से कर रही हैं, आंसर कैसे सेम आ गया। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, थ्योरम समझ में आ गई क्या है, मतलब गॉस आपको इंटीग्रेशन के तरीकों से बचाता है। वो कहता है क्यूब की इंटीग्रेशन कौन करेगा बैठ के, ई डॉट डीएस करोगे इंटीग्रेशन में, क्यूब का एरिया पता नहीं लगना आपको इंटीग्रेशन करते हुए, या मान लो एक शीट है कौन करेगा, वो कहता है कुछ मत करो इंटीग्रेशन, बस क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब मन में क्वेश्चन आएगा ऐसे कैसे, तो इसलिए उसने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, अपना प्रूफ, वो करके दिखाएगा कि देखो मैं करके दिखाता हूं एक एग्जांपल के साथ, और आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है यहां तक? और यही चीज पेपर में प्रूफ करने को आएगी, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। इस तो इसकी तो शीट के ऊपर जो स्टार लगाने हैं लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, चार एप्लीकेशन है और एक ये स्टेट एंड प्रूफ है, इनमें से एक तो आना ही आना है, तो आप ये देख लो कि क्या करना है इसमें, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने ही हैं। तो अब इसका मतलब हमारे पास अभी फ्लक्स, टोटल फ्लक्स किसी भी बॉडी का निकालने के कुल मिला के दो तरीके, पहला इंटीग्रेशन का तरीका, ये तरीका क्लोज लगा लेना प्लीज, यहाँ पे सिंबल ने लगाया क्लोज इंटीग्रेशन, तो पहला इंटीग्रेशन का तरीका, और जो नहीं करना चाहता वो गॉस का तरीका। ठीक, ठीक है, देखो इसके क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, अभी दिखाऊंगा, अगली बार यही चलने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। देखो तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम से पहले गॉस ने ये पूछा कि प्रूफ देखना चाहते हो, आपने कहा देखना चाहते हैं, तो उसने कहा एक काम करो,
पहले एक और चीज सीख के आओ और उसका नाम है गॉशियन सरफेस। गॉशियन अपने नाम से रखा हुआ उसने गॉस, तो ताकि लोग उसको बार बार याद करें, गॉशियन सरफेस। ठीक है यहाँ तक? तो इस तरीके से जो है उसने एक सरफेस को डिफाइन किया, वो सरफेस है क्या उसको ध्यान से देखते हैं। गॉशियन सरफेस को डिफाइन करने के लिए उसने क्या लिखा, इमेजिनरी सरफेस। गॉशियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, ये रियलिटी में नहीं है। ये कैसे एज्यूम करनी है इसको एक मिनट बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो गॉशियन सरफेस जैसे मैंने बताया इज एन इमेजिनरी सरफेस, जहां पर मुझे क्या निकालना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज टू बी फाउंड। मतलब मान लो आपको एक पॉइंट चार्ज गिवन है स्मॉल क्यू, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर आपको क्वेश्चन है कि ई निकालना है। ठीक है, ई निकालना है। अब नॉर्मली हमें पता है कि ई क्या निकालना है, पता तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बट एक्चुअल में ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। हो सकता है मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं, एक सिलेंड्रिकल वायर है या एक थिन वायर है, इस थिन वायर से आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है। तो अब तो आपको ये फॉर्मूला नहीं आता, या हो सकता आता भी हो, मैं शेप चेंज कर देता हूँ किसी और बॉडी की। मैं ये बोल देता हूँ, मान लो एक शीट है, ये शीट ऑफ चार्ज है, और मुझे आर डिस्टेंस दूर इस शीट की वजह से ई निकालना है। यानी कि इस चैप्टर में ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको पॉइंट चार्ज गिवन होगा, इसमें कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज गिवन होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तीन तरीके की होती है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज या फिर वॉल्यूम वाइज। पॉइंट समझ में आया? जैसे आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर में चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्वेश्चन है कि इसके आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए गॉस ने ये कहा, जहां आपको ई निकालना है ना, तो पहले रूल नंबर वन फॉलो करो। रूल नंबर वन ये कि जहां आपको ई निकालना है वहां इमेजिन कर लो एक बहुत छोटी सरफेस है डीएस। आपको ये मतलब कैसे, ये स्फेयर है, ये रहा चार्ज है, और यहाँ पे मतलब दिख नहीं रहा कुछ हवा में, वो कहते देखने के लिए तो है ही नहीं क्योंकि ये तो इमेजिनरी सरफेस है। इमेजिन कर लो कि अगर आपको यहाँ ई निकालना है इस मान लो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ ई निकालना है, इमेजिन कर लो यहाँ एक छोटी सरफेस है डीएस। कोई कहेगा सर आर डिस्टेंस दूर तो ये पॉइंट भी है, आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। तो कहता हर जगह डीएस 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 कर लो जहां करना है। तो किसी ने कहा सर अगर मिला दे सारे डीएस को, तो कहते मिला दो, इमेजिनरी क्या दिखेगा, स्फेयर। अगर सारे डीएस को मिलाएंगे तो इमेजिनरी स्फेयर दिखेगा। तो आप बोलेंगे एक इमेजिनरी गॉशियन सरफेस है, गॉशियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो एक होती है स्मॉल गॉशियन सरफेस डीएस, और डीएस को मिला के टोटल गॉशियन सरफेस आती है, जो कि जो शेप एक्वायर करेगी। जैसे मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो ये पेन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान आगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और किसी ने कहा कि आर डिस्टेंस दूर मुझे यहां ई निकालना है। तो गॉस ने कहा अगर आपको यहां ई निकालना है तो टेक अ गॉशियन सरफेस डीएस, आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये। तो अगर सारी सरफेस को मिलाऊंगा तो क्या दिख रहा है, इमेजिनरी सिलेंडर। तो गॉशियन सरफेस क्या बनेगा, इमेजिनरी सिलेंडर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसको हम टाइम के साथ धीरे धीरे सीखेंगे। तो गॉशियन सरफेस की डेफिनेशन समझ में आई, एन इमेजिनरी सरफेस, कोई भी इमेजिनरी सरफेस एज्यूम्ड टू बी लाइंग एट दैट पॉइंट, वहां पर पड़ी होगी। कहां पर पड़ी होगी, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पॉइंट चार्ज है, प्लस प्लस पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज, ये जो चार्ज है प्लस, इसके कुछ डिस्टेंस दूर आपने क्या लिया, गॉशियन सरफेस। मान लो ये गॉशियन सरफेस है डीएस, तो आर डिस्टेंस दूर ये, आर डिस्टेंस दूर यहां पर गॉशियन, 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 सभी गॉशियन ब्लू कलर की, इन्हें मिलाओगे तो
तो क्या बनेगा? स्फेरिकल गॉशियन सरफेस, जबकि रियलिटी में सिर्फ प्लस चार्ज है, आसपास तो सिर्फ आपने इमेजिन किया है। क्लियर यहां तक? तो गॉशियन सरफेस क्या है ये समझ में आई, पर क्यों बनाई ये समझ में नहीं आई, मैं बताने वाला हूं। क्लियर यहां तक? क्योंकि मैंने बोला था आपको 40 मिनट्स के लिए आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं दिखेगी कि करने की कोशिश क्या कर रहा हूं। पहले फ्लक्स लेके आया आपने, मान लिया मेरी बात, ई डॉट डी एस, चलो मान लिया। फिर एक नई थ्योरम ले आए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चलो वो भी मान लिया। फिर उल्टी सीधी ये बातें हो गई कि किसी भी चीज में अगर आप क्यू चार्ज रखोगे आपको अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे फ्लक्स सेम हो जाएगा जबकि सेम हो जाएगा। फिर ये भी आपने मेरी बात मान ली। फिर मैंने कहा गॉशियन सरफेस, आपने कहा चलो ये भी मान लेते हैं, जबकि हवा में बातें चल रही हैं, रियलिटी में कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा और आपको सारी चीजें एकदम क्लियर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो उससे पहले एक प्रूफ कर लेते हैं, गॉस ने अपना थ्योरम का प्रूफ कैसे करके दिखाया। तो गॉस ने यह कहा कि सपोज आप एक पॉइंट चार्ज लो क्यू, ये ले लिया क्यू, ठीक, लाइंग एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो आपने इस एक हॉलो स्फीयर लिया, खाली स्फीयर लिया, तो ये लो यहां पर बना देता हूं मैं। तो इसके अंदर सपोज आपने क्यू चार्ज लिया, क्यू चार्ज लिया और स्फीयर के सेंटर में लिया ये रहा, और स्फीयर का रेडियस क्या है? आर। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि आप एक काम करो, क्यू चार्ज एक एक शेल, क्योंकि हॉलो है, के सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो आप एक गॉशियन सरफेस कंसिडर करो यहां पे। तो ठीक है, किसी ने गॉशियन सरफेस ली, मैंने स्फीयर के ऊपर ले ली जिसकी वैल्यू कितनी है डीएस, ली नहीं अभी लूंगा अभी ds, ds वेक्टर, ds वेक्टर कहां पर है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ले लिया। अब मुझे पता है कि इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां ई निकालना है गॉशियन सरफेस के ऊपर निकालना होता है, प्लस वन रख लिया, प्लस ने प्लस को क्या किया? रिपेल किया। किसी ने कहा डायग्राम इसी एंड पे क्यों लिया, आप यहां ले लो, सेम ले लो। तो बोलो ds वेक्टर कहां बनेगा? बाहर, और ये q प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। तो e वेक्टर कहां बनेगा? इसी की तरफ। तो अगेन e और ds में एंगल क्या बनेगा? जीरो। यहां पर भी e और ds में एंगल क्या बनेगा? जीरो। आप कहीं भी ले लो, हम क्या करने वाले हैं गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, हम मैथमेटिकली e वेक्टर डॉट ds वेक्टर को यूज करके इस पूरे स्फीयर का फ्लक्स निकाल लेंगे, और हमारा आंसर पता है क्या आएगा? q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये आ जाता है, इसका मतलब प्रूफ प्रूव हो गई ये बात। तो हमने क्या किया, ई डॉट डीएस करने के लिए डीएस लिया, स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल एरिया का स्मॉल फ्लक्स निकाला। स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिख दिया, तो स्फेयर का स्मॉल फ्लक्स आ गया। स्फेयर इज अ क्लोज बॉडी, ये तो सही है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी जो थ्योरम लगानी है वो ओपन पे नहीं लगानी, वो किस पे लगानी है? क्लोज बॉडी, एट स्फेयर इज अ क्लोज बॉडी। तभी मैंने एक चार्ज को बंद बॉडी के अंदर डाला जो कि स्फेयर है। क्लियर है यहां तक? तो स्मॉल फ्लक्स आ गया, ओपन किया, ईडीएस में एंगल जीरो आ गया, स्मॉल फ्लक्स आ गया, कॉस जीरो वन है। टोटल निकालने के लिए क्लोज इंटीग्रेशन की, टोटल फ्लक्स आ गया पूरे स्फेयर का, कैसे आएगा? डीएस की इंटीग्रेशन क्या होगी? सारे एरिया डीएस 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 अगर मिला लूं तो पूरे स्फेयर का एरिया क्या आएगा? फोर पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो पूरे स्फेयर का आपने पूरे स्फेयर का क्या निकाल दिया? फ्लक्स निकाल दिया। कोई डाउट इसमें? लेकिन ये बताओ कि पॉइंट चार्ज यहां पर सरफेस पे ई कितना लगा रहा है? 1/4 πε0 q/r². तो एक काम करते हैं, इस ई को उठा के यहां पुट कर लेते हैं, ये रहा। और जब मैंने यहां पर ये वैल्यू पुट की 4π से 4π r² r², तो आंसर क्या आ गया? q/ε0, जो कि एकदम सही रिजल्ट। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कि ये तो स्फेयर के लिए किया, क्यूब के लिए करके दिखाओ, क्योंकि बहुत लोग मन में सोच रहे हैं ये तो बहुत चलाकी कर दी, एक तो क्यों सेंटर पे लिया, साइड पे नहीं लिया, तो आर यूनिफॉर्म ले लिया, आर से आर कट कर दिया, फिर ऊपर से जान के स्फेयर लिया, क्योंकि 4π से 4π कैंसिल करना चाहते थे, क्यूब करके दिखाओ, क्यूबॉइड करके दिखाओ, पहली बार तो 4π नहीं ला पाओगे,
फिर ऊपर से आर को क्या करोगे। तो गॉस ने ये भी प्रूव किया कि क्यूब और क्यूबॉइड के लिए भी रिजल्ट एब्सोल्यूटली सेम आएगा। इसमें ई फाइव डी यहां पे नहीं, मैं समझा नहीं, ये ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव स्मॉल फ्लक्स टोटल फ्लक्स बन गया, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बन गया, और डीएस की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिखना होता सीधा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब वो क्वेश्चन रह गया हमारा, सच में क्या पूछ रहा था कि यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी और बॉडी के लिए ये प्रूव करना चाहते हो तो आपको अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और वो है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियंस में मेजर किया जाता है। तो इट कैन बी प्रूव्ड, बट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बस मैं अगर क्वेश्चन जो बोर्ड पूछेगा वो सिर्फ स्फेयर के लिए पूछेगा, किसी और बॉडी के लिए नहीं पूछेगा। तो मैंने इस शीट के अंदर वो ऐड नहीं किया, पर जैसे ही ये शीट खत्म होगी तो सिर्फ आपकी उसके लिए कि चलो ठीक है, मतलब आपको सिर्फ मजा आ गया, हाँ ठीक है यार, लग ठीक बोला उसने। इसके लिए मैं आपको एंड में चैप्टर की बात करवाऊंगा, मैं अपना ट्रैक नहीं खराब करना चाहता, बस ऐसे ही स्टेरिडियंस की तरफ ले जाऊं और फिर वापस ले आऊं, तो मैं उसको एंड में दूंगा आपको। और जिसको ज़्यादा जल्दी है, आज 5 मिनट का ही टॉपिक है, 5 मिनट या 10 मिनट का, वो क्लिप मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जैसे डिस्क की भेजी, सबको मिल गई डिस्क की वीडियो, नहीं मिली व्हाट्सएप पे ग्रुप बना चो, नहीं कितने को नहीं मिली, नहीं मिली, बाकियों को मिल गई, ठीक है कोई बात नहीं। अभी अभी मैं ऐड कर दूंगा आपको उसमें, ग्रुप में नया बना है, वो जो पहले ब्रॉडकास्ट वाला था वो तो फेल हो गया यार, वो तो कोई किसी काम का नहीं है, तो मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप ही बना दिया प्रॉपर, तो उसी के अंदर सब कुछ आएगा जो आएगा। तो डिस्क का किसने सुन लिया, मैंने जो सेंड किया किसने सुना नहीं है, चलो ठीक है सुन लेना। तो ऐसे ही मैं ये भी आपको सेंड करूंगा, तो अगर जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, ठीक। स्फीयर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
देखो देखो, अब कुछ एग्जाम्पल से फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो अब ध्यान से एक बार देखो कि मैं मैथमेटिकली साथ साथ लिखूंगा और आप इन फिगर्स को ध्यान से देखते जाना, ठीक। जैसे सपोज सपोज फर्स्ट बॉडी है, पहली बॉडी एक क्लोज बॉडी है क्लोज बॉडी है। इस क्लोज बॉडी में क्या चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू। तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के दो तरीके हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इस बॉडी का फ्लक्स होगा फाई। तो एक स्टूडेंट यूज करता है गॉस थ्योरम, वो इस फिगर को देखता ही नहीं, वो ये कहता है कि हाँ फर्स्ट फिगर का फाई होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। जितना भी क्यू चार्ज इनसाइड अ बॉडी है उसको किससे डिवाइड करना है, एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। बस आपको एक ही चीज देखनी है, एक बंद बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। तो पहले ये बताओ क्या इस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं है, है। तो क्या इसका फ्लक्स होगा, होगा। कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकली क्लियर। अब थियोरेटिकली, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, लाइंस बाहर निकलेंगी, एरिया को क्रॉस करती हुई जाएंगी परपेंडिकुलरली, तो ऑब्वियसली इसका फ्लक्स होगा। और लाइंस कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या लिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड द बॉक्स सो आउटवर्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स कहां पर है, बाहर की तरफ है। अब फ्लक्स एक बड़ी टर्म है, फ्लक्स का मतलब या तो बोलो फ्लक्स आउटवर्ड है, या फिर मेरी तरह इतना लंबा बोलो क्या इसका मतलब, इसके अंदर चार्ज है, वो चार्ज इसमें पॉजिटिव है, तभी तो लाइंस कहां निकल रही हैं, बाहर। और क्योंकि लाइंस बाहर हैं और फ्लक्स है, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना लंबा बोलने की जगह बोलो फ्लक्स कहां पर है, आउटसाइड है। तो फ्लक्स एक बड़ी टर्म है, पॉइंट समझ में आया। फिर देखो नेक्स्ट, चार्ज एक नहीं, चार्ज कितने रख दिए, दो, दो पॉजिटिव। तो अगर ये फिगर नहीं ड्रॉ करते आप, तो ये समझो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा क्या इसमें फ्लक्स है, आप आंसर क्या बोलेंगे, है। कितना इनसाइड चार्ज कितना है, 2q, q प्लस q, 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो इसके अंदर फ्लक्स है क्योंकि इसके इनसाइड चार्ज है। मैथमेटिकली क्लियर होगी एक्सप्लेनेशन। थ्योरेटिकली एक चार्ज अगर 10 या जितने भी लाइंस बाहर निकाल रहे हैं, दो चार्ज डबल डबल लाइंस बाहर निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है मैथमेटिकल एंड थ्योरेटिकल। नेक्स्ट, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, या करेक्शन कर लो माइनस करो, माइनस क्यू, चार्जेस माइनस क्यू। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्या इसमें फ्लक्स होगा, होगा। कितना, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव फ्लक्स क्या शो करता है, नेगेटिव फ्लक्स ये शो करता है कि लाइंस इसमें अंदर से बाहर नहीं जा रही, बाहर से अंदर आएंगी, क्योंकि नेगेटिव लाइन में एंटर करती हैं लाइंस। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो फ्लक्स तो होगा लेकिन नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो लिखा हुआ है इसमें इनवर्ड फ्लक्स है, इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं अंदर, अंदर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर यहां तक। फिर मैं पूछूंगा कि क्या ये दो दो चार्जेस पड़े हुए हैं, क्या इसमें फ्लक्स है, तो आप बोलेंगे है। कितना चार्ज इनसाइड कितने, माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लाइन जो पहले जितनी भी एंटर कर रही थी उससे डबल एंटर करेंगी क्योंकि दो चार्जेस इसमें प्रेजेंट है। कोई डाउट इसमें, कुछ लाइंस हम देखते ही नहीं, हमें लेना देना ही नहीं, हम कहते हैं एरिया में से जो क्रॉस करती हैं परपेंडिकुलरली बस। और क्योंकि हम इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे, आप इमेजिन करते रहो कैसे इंटीग्रेट परपेंडिकुलर होंगी, फ्लक्स गॉस ने यही तो काम आसान कर दिया। आप सोची जाओगे यार लाइन इधर गई, लाइन तो दिख ही नहीं रही, उसने कहा जैसी भी लाइन जाएंगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका हमेशा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो सोचो उसने जिंदगी कितनी आसान कर दी, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, और टेस्टेड रिजल्ट उस बंदे ने आपको दिया। पॉइंट समझ में आया यहां तक, आ गया आ गया। ये देखो नेक्स्ट केस है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, चलो ठीक। मैथमेटिकल बताओ चार्ज इनसाइड कितना है, क्यू प्लस डिवाइडेड बाय, तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, कोई फ्लक्स नहीं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन,
पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितनी लाइंस आउटवर्ड जा रही होंगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से उतनी ही लाइंस इनवर्ड आ रही होंगी, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, आउटवर्ड इनवर्ड कैंसल, नेट फ्लक्स इज जीरो। मैथमेटिकल समझ में आ गया, वैसे मैथमेटिकल ज्यादा आसान है, डायग्राम क्या ड्रॉ करना, बस ये देखो अंदर कितना चार्ज है, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, खत्म, आंसर जीरो तो जीरो, नहीं तो फिर जो भी होगा कर दो। हाँ पूछो, क्लियर है यहां तक? तो आपने जीरो ही बोलना है, प्लस एंड माइनस क्यू का इफेक्ट। क्लियर यहां तक? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। सपोज पीछे एक दीवार है पॉजिटिव चार्ज की, और सामने, इसके सामने ये एक क्यू पड़ा हुआ है, क्यूबॉइड पड़ा हुआ है, इसमें इसकी लाइंस निकली और इसमें से क्रॉस करती हुई बाहर चली गई, मतलब जैसे ये दीवार है, लाइंस यहां जा रही हैं, बीच में ये पड़ा हुआ है, और इसमें से लाइन एंटर भी कर गई और बाहर निकल गई, क्या इसका फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? कितने बोलते हैं होगा, कितने बोलते हैं नहीं होगा, नहीं होगा और होगा, क्योंकि इसमें लाइंस क्रॉस कर रही हैं। देखो पहले मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या होगा, चार्ज इस डिब्बे के अंदर कितना है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। देखो ये तो बात पक्की पता लगी, गॉस ने कहा था कि उस बंद बॉडी के अंदर चार्ज कितना है वो बता दो, तो है ही नहीं, जीरो। पर फिर थ्योरेटिकली कई लोग सोच रहे हैं कि लाइंस क्रॉस तो कर ही रही हैं, तो फिर आंसर जीरो क्यों नहीं, क्योंकि जितना जो लाइन इसमें एंटर करेगी वो लाइन इससे बाहर भी जाएगी, तो इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स सेम, लाइन एंटर कर गई नेगेटिव फ्लक्स, बाहर निकल गई प्लस कैंसल, तो ओवरऑल इसका अपना कोई फ्लक्स नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? और बेस्ट तरीका बताऊं कि बस ये देखो कि इसके अंदर अपना चार्ज है, अगर है फिर तो फ्लक्स है, और अगर नहीं है दुनिया भर का चार्ज इसके आसपास रख दो तो भी इसका अपना फ्लक्स जीरो। क्लियर है? जैसे एक ऑब्जेक्टिव आएगा मेरी शीट में ही कि सपोज एक स्फीयर पड़ा हुआ है, ठीक, सपोज एक स्फीयर पड़ा हुआ है और इसके सामने एक क्यू चार्ज यहां पड़ा हुआ है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस तो करेंगी ही करेंगी, ये तो बात पक्की है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है, तो बताओ इस स्फीयर का फ्लक्स क्या होगा, जीरो। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये बोलती है क्योंकि इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं स्फीयर का, तो आंसर तो पक्का जीरो आएगा। और थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये बोलती है कि लाइन यहां एंटर कर रही है एरिया में और वही लाइन अब एग्जिट भी कर रही है एरिया में से, तो नेट फ्लक्स क्या करती जा रही है, जीरो, तो आंसर इज जीरो। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो आपको जो शीट आएगी नेक्स्ट अगली बार उसमें अलग अलग ऐसी फिगर्स बना के दूंगा, आपको बताना होगा कि किसमें फ्लक्स जीरो होगा किसमें जीरो नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, सॉरी डाउट है पूछ ले। नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पड़ोस में तो है ना, मतलब देख मैं ना इस रूम में खड़ा हूँ, ये रूम है, तूने बाहर चार्ज लेके खड़ा हो गया, तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना इस रूम में, तो एंटर तो करेंगे ना यार, क्या प्रॉब्लम है? पर मैं ये कहूंगा कि इस रूम का फ्लक्स जीरो है, क्योंकि वो तेरा तेरी लाइन है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, जो लाइन यहाँ से आ रही है रूम के अंदर से वो यहाँ से एग्जिट भी कर गई, तो फिर जीरो।